मणिपुर में हिंसा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ दो समुदायों कुकी और मैते के बीच संघर्ष जारी है। बीती रात यहाँ उपद्रवियों ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाया, जिसके चलते सीआरपीएफ के दो जवान शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ बटालियन पर यह हमले कुकी उग्रवादियों द्वारा किए गए थे। इस हमले को लेकर मणिपुर पुलिस ने जानकारी दी कि शुक्रवार की देर रात ही करीब 2 बजे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के दो जवानों की जान चली गई थी। इसी हमले के दौरान ये दोनों जवान मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के नारायण सेना इलाके में सीआरपीएफ की 128वीं बटालियन के थे। बता दें, मणिपुर में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान के दौरान अभी भी काफी हिंसा हो रही है। इसी वजह से चुनाव आयोग ने भीतरी मणिपुर सीट के 11 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान करवाने का फैसला भी ले लिया था। यहां के 2 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन आयोग ने बाहरी मणिपुर सीट पर 2 चरण में मतदान करवाने का फैसला किया था। बता दें कि यहां पिछले 1 साल से लगातार हिंसा हो रही है। अब उग्रवादियों ने सैनिकों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। और इसी बीच मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बयान आता है। वो शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बाहरी मणिपुर में अधिक मतदान और हिंसा की न्यूनतम घटनाओं का महज जिक्र ही करते हैं। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।